पानी 2.0 फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आजकल सूर्यवंशी मूवी से रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। लास्ट सीन हमने अक्षय कुमार के एंट्री सीन का दिया था रिएक्शन, एंड काफी अच्छा लगा था हमें। उसमें बहुत दिन बाद चेस सीन एंड फिर वो उनका जो जॉनर है, अच्छा मतलब हैंड एंड लेग्स का यूज करके जो फाइटिंग होता है वो देख के बहुत अच्छा लगा था हमें। तो अब ये जो नेक्स्ट सीन है ये भी काफी अच्छा है, मैंने सुना है। कुछ एक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक सीन है, तो ये भी एक फाइट सीन ही है या शायद चेस सीन है फिर से, तो मजा आएगा देखने में। आइए फ्रेंड्स, ये सीन देखते हैं फिर एंड अपना रिएक्शन देते हैं। आइए फ्रेंड्स। अच्छा, बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर। बैंकॉक? तुम और विमान बैंकॉक के लिए निकलो, वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा। जी पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ, कहाँ है वो बिली? बिली सर, बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। फिर भूल गया। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा यहाँ। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया के दुश्मन सर, मेरे दुश्मन। मैं आपकी हेल्प करूंगी सर, मैं देश की बेटी हूँ सर। चलाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। सिकंदर फिर बागर बाइक मिला। वो स्मार्ट पिक्चर सच में, अक्षय कुमार। बीजीएम लेकिन सच में बहुत अच्छा है, सच में। बाप रे, बाप रे। उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। रोहित शेट्टी का फिर भाग रहा है।
कैसे पकड़े हेलीकॉप्टर खिलाड़ी का याद आ गया सच में, खिलाड़ी सीरीज का सारा जो था पकड़ने के लिए अच्छे कुमार सच में निकेतन देर उसका उंगली कट गया था साहब दो ऐसे जॉन से उस आदमी का स्केच बन लो जी सर और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए जी सर अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा साला उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा मस्त सीन था फ्रेंड्स मतलब इतने दिन बाद फिर से अक्षय कुमार का वो खिलाड़ी वाला याद आ गया मुझे मतलब उस समय जैसा स्टंट्स किया करते थे ऐसा याद आ गया सच में मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जब वो मतलब हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं एंड फिर जब चढ़ते हैं बाइक पे उफ वही पूरा मतलब क्या बोलते गूज़बम्स वाला मोमेंट था मेरे लिए तो क्या था वो स्टंट सच में एंड फिर वो लटक के उसको उसको पकड़ने के पहले भी पहले उसको टपली मारते सर पे फिर उसको उठाते कि चल मेरे साथ कहाँ भाग रहा था तू अच्छा लगा मतलब एक सीरियस मतलब कॉप का एक है जो सीरियस है अपने काम को लेके लेकिन साथ में साइड में कॉमेडी भी चल रहा था फिर से ना भूले वो लड़की को लिली को बिल्ली बना दिया जॉन को डॉन बना दिया वो एक अलग कॉमेडी चल रहा था सच में बहुत मजा है एंड उनका जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है सूर्यवंशी वाला उफ माइंड ब्लोइंग है वो सच में एंड फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है तो मुझे ये अभी पता चला है कि ये बीजीएम एक्चुअली साउथ के एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थमन ने सर ने दिया है
एंड वो बहुत फेमस है ऐसा बीजीएम देने के लिए. उनका सारा गाना बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा बीट्स वाला रहता है, बहुत अच्छा एक फील रहता है उसका. एंड इसमें भी ट्रम्पेट का जैसे यूज हुआ है एंड जैसा वो सूर्यवंशी जो गा रहे हैं लोग, जो मेल सिंगर जो गा रहे हैं, बहुत अच्छा है सच में, मजा आया सच में फ्रेंड्स. तो ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको ये सीन कैसा लगा एंड हमारे रिएक्शन कैसा लगा. अगले वीडियो में मिलते हैं. चलिए फिर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय.